ना निमन गीतिया गाई ना मड़वा में जाई। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है, ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। न नीमन गीतिया गाइब न मड़वा में जाइब, कुछ इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाजीपुर में कांग्रेस और राजद पर तंज कसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, एक तरफ जहां बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, आज वोटिंग हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों पटना में रोड शो करने के बाद आज सुबह सुबह पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद आज चले जाते हैं हाजीपुर और वहां जाकर के चिराग पासवान के लिए वोटों की अपील करते हैं। वहां जाकर के यानी चिराग पासवान के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हैं और संबोधन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देहाती में कहावत कह डाली है। देहाती में कहावत कहते हुए राजद और कांग्रेस दोनों पर ही तंज कसा है। कहावत कुछ इस तरह तरीके से है कि न नीमन गीतिया गाइब न मड़वा में जाए, यानी न खुद कुछ काम करेंगे और न किसी को कुछ काम करने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम से बिहार में हैं। देर शाम उन्होंने राजधानी पटना में रोड शो किया। सोमवार को बिहार की 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की सभा है। पहली सभा हाजीपुर में, जहां पीएम मोदी ने चिराग पासवान के लिए वोट मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर दुख होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने कितने अंधेर गर्दी फैलाई है। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीबी और अभाव में धकेल दिया है, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद आलिशान महल खड़े कर दिए। ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं क्या? राजद कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये तो सोच रहे हैं कि जितना समय बचा है, जितना लूटना है लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं। आपके बच्चों की इन्हें परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री ने देहाती कहावत में कहा कि न नीमन गीतिया गाइब और न मड़वा में जाइब। राजद कांग्रेस का यही हाल है, ये लोग विकास के कार्य से भागते हैं। इन लोगों के नकारेपन ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से बिहार को बचाकर रखना है। हाजीपुर आकर आपसे आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये पहली बार लोकसभा चुनाव है जब हम स्वर्गीय रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में लड़ रहे हैं। पासवान जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे। 4 जून बहुत दूर नहीं है, सबकी नजर टीवी पर होगी। आप तो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो 4 जून को एक के बाद एक भाजपा एनडीए के विजय की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए किस तरीके से चिराग पासवान के लिए प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हाजीपुर पहुंच जाते हैं और वहां वो रामविलास पासवान को भी याद करते नजर आते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के याद में कहते हैं कि ये पहली लोकसभा चुनाव होगी जब हम स्वर्गीय रामविलास पासवान के बिन मौजूदगी में चुनाव लड़ने वाले हैं और ये चुनाव भी हो रहा है। साथ ही साथ एक देशी कहावत कह देते हैं और इस कहावत को कहते हुए जो है नरेंद्र मोदी खासकर कांग्रेस और राजद पर तंज कसता नजर आता। ना नीमन गीतिया गाइब ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है, ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। भाइयों और बहनों, आरजेडी हो कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर उसका बहिष्कार करके
ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? क्या ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, बल्कि उनका अपना वोट बैंक ही है। अभी आपने सुना होगा, बिहार में जंगल राज लाने वाले जो व्यक्ति है, जो चारा घोटाले में अदालत ने सजा की हुई है, गुनहगार माना है, उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, और वो भी पूरा का पूरा, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण ये अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही तरह अति पिछड़े समाज से आता हूं। मैं जानता हूं ऐसा सुनकर के उनकी बेचैनी कितनी बढ़ जाती है। उनको लगता है हमारा तो भविष्य डूब जाएगा। हमारे दलित भाई बहन, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे पिछड़े, हमारे अति पिछड़े, अगर धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर उनको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो अगर लूट लिया जाएगा तो इनकी तो आने वाली सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी।